ये आ रही है अगर लेंस नहीं होता तो ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ना बेटा ये बीम यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती तो आपसे सवाल में यही पूछा है कि अगर लेंस नहीं होता तो वो कहाँ कन्वर्ज होती लेकिन अब लेंस प्रेजेंट है तो ये हल्का सा डायवर्ज होके यहाँ पर आपका कन्वर्ज हो रही है तो ये कितना दिया है डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ दिया है एंड कम्स टू फोकस एट जीरो पॉइंट थ्री ये जो डिस्टेंस है बेटा दिस डिस्टेंस ये आपका वी हो गया जहां पे फाइनल इमेज बन रही है कितना है जीरो पॉइंट थ्री मीटर ठीक फोकल लेंथ आपको कितना दिया लेंस का फोकल लेंथ इज गिवन, माइनस जीरो पॉइंट टू मीटर अब ये जो आपका इमेज बनता अगर लेंस नहीं होता तो ये जो डिस्टेंस है इसका लेंस से इसको अपन यू मानते हैं है क्वेश्चन में मेरे को यू निकालना है और ये जो ओ पे जो इमेज बनता अगर लेंस नहीं होता तो इसको अपन बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो कभी बना नहीं है ना तो मुझे वर्चुअल ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालनी है तो आई फाइंड दिस इज इक्वल टू यू अब आप लगा दो सीधे लेंस फॉर्मूला वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू वन बाई एफ एफ कितना दिया है माइनस वन अपॉन जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट टू मतलब टू बाई टेन ऊपर चला गया वन बाई वी इमेज कहाँ बन रही है जीरो पॉइंट थ्री तो टेन बाई थ्री माइनस वन बाई यू यू कितना आ गया वन बाई यू इज इक्वल टू टेन बाय थ्री माइनस माइनस प्लस टेन 1 टू वन बाई यू इज इक्वल टू टू और थ्री कैल्शियम सिक्स थ्री टू झा टू टेन जी टू थ्री थ्री टेन जी क्या मिला वन बाई यू इज इक्वल टू फिफ्टी बाय सिक्स इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे तो ये कितना हो जाएगा हंड्रेड बाई ट्वेल्व तो एक मिनट दिख रहा है आपको यू आप इसका रेसी प्रोकल करोगे तो मिलेगा ट्वेल्व बाई हंड्रेड और ट्वेल्व बाई हंड्रेड कितना हो जाएगा बट आंसर जीरो पॉइंट वन टू मीटर तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू थैंक यू फॉर वॉचिंग कीप लविंग कीप सपोर्टिंग